The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, namaskar. Agar aap bhi night shifts karte hain, अगर आपकी भी रोटेटिंग शिफ्ट होती है या नाइट शिफ्ट होती है, नाइट ड्यूटी होती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। और नाइट शिफ्ट का सबसे बड़ा एग्जांपल है एक डॉक्टर, जिसको नाइट शिफ्ट करनी ही पड़ती है, कभी ना कभी नाइट में बुलाना ही आता ही बुलाना। और वैसे कई सारे लोग भी हैं जिनकी नाइट शिफ्ट होती है अलग अलग प्रोफेशन में। तो अगर आपकी भी नाइट शिफ्ट है तो नीचे लिख के बताइए कि हाँ हम भी है, ताकि पता चले कितने हमारे व्यूअर्स हैं, कितने हमारे लोग हैं कम्युनिटी में हमारे जिनको नाइट शिफ्ट झेलनी पड़ती है। तो आज का वीडियो उनके ऊपर है। इसे हम कहते हैं शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर, राइट। ये मेडिकल भाषा है कि शिफ्ट अगर होती रहती है, पीपल हु वर्क डिफरेंट शिफ्ट्स और वर्क एट नाइट, उनको क्या क्या प्रॉब्लम आती है, उनके हेल्थ में क्या इश्यू आता है, वो हम देखेंगे आज। सो बेसिकली ये उनको अफेक्ट करेगा जो नॉन ट्रेडिशनल आवर्स, 9 से 5, 9 to 5, 10 to 6 नहीं वर्क करते हैं ना, उन लोगों में। सो ऐसे जो लोग होते हैं, इनको जो सिम्टम्स आते हैं, जो बीमारी होती है, उसको बोला गया है शिफ्ट वर्क स्लीप डिसऑर्डर। और उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, नंबर वन, आपको एक्सेसिव स्लीपीनेस होगा ऑफ एंड ऑन, जॉब में भी, जॉब के बाद भी आपको डिफिकल्टी हो सकती है कॉन्सेंट्रेशन में, लैक ऑफ एनर्जी हो सकता है। और चौथे नंबर पे इनसोमनिया, यानी कि कई बार आपको नींद ही नहीं आ रही है, एडिक्वेट स्लीप ही नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हो रहा क्यों है, कोई अंदर कमी नहीं है, सिर्फ इस डिसऑर्डर की वजह से, बॉडी को प्रॉपर रेस्ट ना मिलने की वजह से ये हो रहा है। ऐसे में कई बार आपको लगेगा कि आपको नींद आ रही है, लेकिन नींद इनकम्प्लीट है, नींद खत्म ही नहीं हो रही है, नींद प्रॉपर पूरी ही नहीं हो रही है। इन चीजों से कई बार डिप्रेशन फीलिंग भी आ सकती है कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, कुछ काम नहीं कर पा रहे, सही से अच्छा नहीं लग रहा, बस अच्छा नहीं लग रहा। तो डिप्रेशन, मूडीनेस, गुस्सापन आ सकता है। और इसी वजह से कई बार हम अपने रिलेशनशिप्स में अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से झगड़े कर लेते हैं, राइट। सो गुस्सा होने लग जाते हैं। सो ऐसी इश्यूज भी आ सकती है, आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। So, क्या करना चाहिए, ये देखिए बहुत कॉमन है कि इसी चीजों में आपके कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगा, हेडेक हो सकता है, ज्यादा नींद आती रहेगी, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, मेरे को तंग मत करो, और नींद आते हुए भी दिक्कत होना, एनर्जी ना महसूस होना। सो इसका इशू कुछ दिनों में, अगर ज्यादा दिनों तक हो जाए, यानी क्रोनिकली ज्यादा लंबे समय तक आपको स्लीप डिप्राइव हो जाए, तभी ऐसा होता है, राइट। तभी आपको फटीग, मूड चेंजेस और ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे। और इस क्रोनिक स्लीप डिप्राइवेशन में कई बार ओवरनाइट शिफ्ट अगर आप लेते हैं, रोटेटिंग शिफ्ट लेते हैं, या वेरी वेरी अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी हो रही है, बहुत ही जल्दी 5 बजे उठ के, 3 बजे उठ के काम करना पड़ता है, तब भी ऐसा हो सकता है। इवन अगर आप किसी होली प्लेस में, मंदिर गुरुद्वारे में अगर सुबह सुबह के काम कर रहे हैं, शिफ्ट चेंज हो रही है, तब भी ये इशू आ सकता है। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, तब भी ये इशू आपको आ सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी का साइकिल चेंज हो रहा है, स्लीप साइकिल चेंज हो रहा है, राइट। सो ऐसे में आपकी बॉडी में कुछ बदलाव तो आएंगे, है ना, आपकी बॉडी उतने अच्छे से प्रोफेशनली या उतने अच्छे से अपने काम नहीं कर पाएगी, विल मेक मिस्टेक्स एट वर्क, आपको फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन हो सकते हैं, फ्लू हो सकता है, बार बार बीमार हो सकते हैं, आप जितना टाइम पे काम करते थे उससे ज्यादा टाइम आपको लग सकता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, और हायर रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है फीमेल्स में, राइट। और साथ ही ऐसे कई लंबे समय तक अगर ये कंटिन्यू रहा तो आपका हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाएगा, मोटापे का रिस्क बढ़ जाएगा, एक्सीडेंट्स का रिस्क बढ़ जाएगा, और नशे, सब्सटेंस, दारू पीना, कि भाई नींद नहीं आती, बहुत टेंशन है, दारू पिए बगैर नींद नहीं आती, ऐसे सब्सटेंस अब्यूज का रिस्क आपका बढ़ जाएगा। सो ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको कैसे डील करें, इसको डील करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर वन, आपको अपने लाइट का एक्सपोजर चेंज करना पड़ेगा। आप जब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो अपने आसपास की सारी बत्तियां कम कर दीजिए, डिम कर दीजिए, मिनिमाइज योर लाइट एक्सपोजर इन द नाइट, राइट। और सुबह के टाइम पे उसे मैक्सिमम कर दीजिए, इसे हम ब्राइट लाइट थेरेपी कहते हैं। तो ब्राइट लाइट आप सुबह लेना है, ताकि आपके ब्रेन को ट्रेन हो पाए कि ये दिन है, यहां जागना है, ये रात हो गई, सोना है, धीरे धीरे ये हेल्प करता है। और बेड टाइम रिचुअल्स फॉलो करने हैं, मतलब आप ब्रश करना है, या आपने अंधेरा बनाना है, पिलो बनाना है, मस्त सोना है, यानी कि काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सब कुछ साइड में रखिए, सोने की तैयारी करिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट ट्राई करिए, कोई भी, चाहे लेट सो रहे हैं, चाहे जल्दी सो रहे हैं, चाहे दिन में सो रहे हैं, एक रेगुलर स्लीप स्केड्यूल बनाइए। और जब भी सोते हैं, चाहे सुबह सोते हैं आप, चाहे दिन में सोते हैं, एक क्वाइट और डार्क एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करिए, नींद अच्छी तब आएगी। और पीसफुल सेटिंग रखने की कोशिश करिए, यानी कि गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं, पंखा नहीं चल रहा, धूप है, और सूरज की किरणें आ रही हैं, आसपास से आवाज आ रही है, तो कैसे सोएगा आदमी। सो यू हैव टू मेक अ पीसफुल सेटिंग ड्यूरिंग योर स्लीप टाइम, वट एवर माइट बी द स्लीप टाइम, राइट। और अगर आपके फैमिली में लोग हैं, टीवियां सुनते हैं सुबह सुबह, ये करते हैं, तो आस्क देम टू वेयर अ हेडफोन,
राइट, तो अगर वो टीवी देखना चाहते हैं, म्यूजिक सुनना चाहते हैं, राइट, लोग हैं आसपास, उनसे कहिए कि आवाजें ना करें, डोंट, आवाज वाली एक्टिविटी ना करो, अपने घर के अपने दरवाजे के सामने डू नॉट डिस्टर्ब वाला साइड लगाइए ताकि आपकी नींद कंप्लीट हो। इतना करने से आपकी ये प्रॉब्लम्स, कोई अलग से दवा की जरूरत नहीं है इसमें किसी प्रकार की, सिर्फ आपको सिर्फ अपनी नींद कंप्लीट करनी है, नींद की साइकिल सेट करनी है, तो आपको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, स्लीप हाइजीन एंड ब्राइट लाइट थेरेपी। तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें अगर अच्छा लगा, कोई दवा की जरूरत नहीं है आपको, अननेसेसरी दारू की जरूरत नहीं है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं कर रखा। मैं हूं डॉक्टर परमजीत, नींद के ऊपर और भी कई सारे वीडियो हैं, हो सकता है दूसरे वीडियो से आपको और मदद मिले तो उसे जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।